हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी सिंसियरली फॉर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्ज़ाम। चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया हो या फिर कल आपका लास्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, आप अपना नेक्स्ट स्टेज या फिर प्रीलिम्स के स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को काफ़ी जल्दी से जल्दी DSSS भी कोशिश करेगा ख़त्म करवाने के लिए। अब कौन कौन से स्टेजेस हैं अब आपके, अगर आपका प्रीलिम्स का सपोज एग्ज़ाम हो चुका है तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है और टाइपिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग तो मेरिट बनेगी, लेकिन आपके एक टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम जो है वो एक स्किल टेस्ट एग्ज़ाम है। अब स्किल क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और आपको स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग पूरा अच्छे से आती होगी। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, और अभी से मेहनत करने के लिए और अच्छे से 100% सिलेक्शन करने के लिए मैं आज आपको एक ऐसी लाइन बताऊँगा जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे ऑन कंप्यूटर में। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में भी कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर पे ही आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो कंप्यूटर पे अगर उसको बार बार कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है गाइस, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको सिंसियरली इस लाइन को प्रैक्टिस करना है। अब वो कौन सी गोल्डन टिप है या फिर गोल्डन लाइन है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। अब वो लाइन है आपकी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, अ क्यू यू आई सी के क्विक, BROWN ब्राउन, ठीक है, FOX, ठीक है। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। किक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, JUMPS जम्प्स ओवर, ओ का इसमें ओवर द, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। जी हाँ, LAZZY लेजी DOG डॉग, ठीक है। ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें बस खाली टी कैपिटल होगा, बाकी जैसे मैंने लिखा है, अ का ए कैपिटल, क्यू का क्यू कैपिटल, बी का बी कैपिटल, एफ का एफ कैपिटल, जम का जम कैपिटल, ओ का कैपिटल, टी का द का टी कैपिटल, लेजी का एल कैपिटल और डॉग का डी कैपिटल, ठीक है गाइस। आपको सिर्फ यही लाइन प्रैक्टिस करनी है अपने कीबोर्ड पे। अब कीबोर्ड आपको ऐसे कुछ इस हिसाब से आपका, जिससे इंडेक्स फिंगर जो छोटी वाली फिंगर है वो आपकी इस वाले को कवर करे, और ये वाली फिंगर आपको इस वाले को कवर करे, और मिडल फिंगर आपका EDC को कवर करे, और ये वाली फिंगर आपकी इसको प्रैक्टिस करे। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना, जब आप लिखेंगे अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, देखिए इसमें सारे अल्फाबेट्स कवर हो रहे हैं। जी हाँ, 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं, अ उसमें हो गया, क्यू से क्यू हो गया, यू से यू, आई सी के क्विक ब्राउन, आप देखना आप ध्यान से टिक करते जाना कौन कौन से अल्फाबेट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। बी ब्राउन हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया, एन हो गया, क्विक ब्राउन, एफ ओ एक्स फॉक्स, एफ हो गया, ओ हो गया, एक्स हो गया, फॉक्स ओवर, ओ वी ई आर ओवर हो गया, द टी एच ई हो गया, लेजी एल ए जेड वाई लेजी हो गया, डी ओ जी जी देखो हो गया, जम्स है वो जम्स का, ठीक है। तो आप गाइस देख पा रहे होंगे आपके सारे अल्फाबेट आपके कवर हो गए हैं। तो गाइस आपको मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, लाइन कौन सी है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, अ क्विक QUICK BROWN ब्राउन में याद रखना, बी आपको कैपिटल रखना है, ब्राउन, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये चीज़ आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी है, और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप अगर आँख भी मूंद के टाइपिंग करें विदाउट एनी, मतलब अगर कंप्यूटर ना भी हो तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है अ लिखें तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाली फिंगर मूव हो जाए, अगर आप क्यू लिखना चाहें तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली फिंगर मूव हो जाए, और उसके बाद अगर यू करना हो आपको तो ये वाली फिंगर ऑटोमेटिकली मूव हो जाए। आपको सिर्फ एक यही लाइन प्रैक्टिस करते रहना गाइस, उसके अलावा आपको कोई भी बड़े बड़ी चीज़ें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली आप जो अल्फाबेट माइंड में सोचेंगे आपसे वही टाइप होता जाएगा, ठीक है गाइस। और इससे आपका, अगर आपने अच्छे से किया तो इससे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की मेरी तरफ से गोल्डन टिप, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके DSSS के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के टाइपिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपका स्क्रीन टू स्क्रीन जब पेपर होगा तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है जिससे आपकी 0% एरर आए। जी हाँ, 0% एरर आए, और आपकी जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो आपके एक्चुअल टाइपिंग एग्जाम में, ठीक है गाइस। अभी के लिए इस टिप को प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या इस टिप को प्रैक्टिस करने से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ी है या नहीं। अभी तक के लिए यही था मेरी तरफ से, थैंक यू फॉर वॉचिंग।